मैं राहुल साहब ने जो लास्ट लेक्चर कही है उसमें थोड़ा सा एमेंडमेंट करके अपनी तरफ से पेश करना चाहता हूँ राहुल साहब से। नहीं जब आपने पेश किया है तो मैं उसमें कुछ अल्फाज के एमेंड करूंगा इजाजत के साथ। अच्छा है कश्मीर के साथ रहे लद्दाख भी, लेकिन कभी भी इसे तैयार न छोड़े। कांग्रेस 2018-19 की बजट पेश की, लेकिन आपको याद होगा सर मरहूम मुफ्ती सईद साहब जब हाउस में इस तरह को पहले करके हुए। मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद इन्होंने पिछले दो बजट में प्रॉमिस किया था कि लद्दाख को स्पेशली करगिल को बजट में स्पेशल कंसीडरेशंस और इसकी तरफ तवज्जो रखी जाएगी, लेकिन यार भी अपनों के साथ कहना पड़ता है आपके गवर्नर साहब के एड्रेस में और आपके बजट में लद्दाख के लिए कुछ भी नहीं है। कहीं पे भी आपने लद्दाख के लिए स्पेशल पैकेज की बात की है, उससे एरिया के डेवलपमेंट से बात की है, आपने 80,000 करोड़ रुपए की बात की है बजट में, लेकिन इस 80,000 करोड़ रुपए में से हमारे खाते में क्या मिल रहा है? हमें जो कुछ भी मिलता है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्लान के तहत जो 100 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन मिलती है उसके सिवा हमें एक पैसा भी नहीं मिलता है। और ये निहायत बदकिस्मती की बात है कि आप जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े एरिया को सिर्फ मैं कर्गिल की बात करूं तो 14,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, उस 14,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के लिए आप 80,000 करोड़ में से सिर्फ 100 करोड़ रुपए देकर चाहते हैं जम्मू कश्मीर के दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरह आगे बढ़े। मुझे उम्मीद है कि जब इस बजट पर वजीर साहब अपनी रिप्लाई दे देंगे जवाब दे देंगे तो हमारे कंसर्न्स को इसमें ध्यान रखा जाएगा। जिला डिप्टी स्पीकर साहब पूरे स्टेट के लिए 7 मेडिकल कॉलेज दिए गए डिफरेंट एरिया से, और 7 मेडिकल कॉलेज में से लद्दाख में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं। अगर आप चाहते हैं लद्दाख का भी एक बार डेवलपमेंट हो जम्मू रीजन की तरह कश्मीर रीजन की तरह, अगर आप मानते हैं लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है तो क्यों लद्दाख को इग्नोर किया जा रहा है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे रहे हैं आप जम्मू और कश्मीर में, कैंसर सेंटर दे रहे हैं आप जम्मू और कश्मीर में, डिग्री कॉलेज आप दे रहे हैं जम्मू और कश्मीर में, मेडिकल कॉलेज आप दे रहे हैं जम्मू और कश्मीर में, क्यों लद्दाख को इग्नोर किया जाता है? मुझे उम्मीद है ये जो 7 डिग्री कॉलेज मेडिकल कॉलेज दी गई है उनमें से एक मेडिकल कॉलेज कर्गिल के लिए दी जाए। किस प्रकार साहब हमारे कर्गिल के 14,000 स्क्वायर किलोमीटर में एक डिग्री कॉलेज है कर्गिल में, और उस कर्गिल के डिग्री कॉलेज में 3,000 बच्चे पढ़ते हैं और 3,000 बच्चों में 70% गर्ल स्टूडेंट्स हैं, और ये 3,000 बच्चे सिर्फ 5 क्लासरूमों में फंसे गए, उनके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और हैरानी की बात ये है कि ये अकेला डिग्री कॉलेज है पूरी स्टेट में जिसका बजट डिपेंडेंट है डिस्ट्रिक्ट प्लांट है, इसको स्टेट शेयर से कुछ भी नहीं मिलता। ये निहायत अफसोस का मुकाम है। आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दूसरा स्कीम चलता है स्टेट शेयर में से बाकी डिग्री कॉलेज को कंप्लीट की जाती है, लेकिन कर्गिल के अकेले डिग्री कॉलेज को जहाँ पे 3,000 से ज्यादा बच्चे हैं और आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, 70% इसमें गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं
की जाती है कि यहाँ की अफसर से मुझे उम्मीद है कि इस बजट घटना में जब जवाब दे देंगे वजीर खजाना साहब, तो इस डिग्री कॉलेज को आप स्टेट शेयर में से पैसा दे देंगे और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके तवज्जो से एजुकेशन मिनिस्टर की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ सर। जब MLA को आप दो स्कूल, दो हाई स्कूल और दो हाई सेकेंडरी दिया जाता है, हमारे बहुत के लिए पेशाब की तरह तवज्जो की तरह ना आते, बल्कि आप देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के बेस पे, एरिया के नीड के बेस पे वहां पर स्कूल के अपग्रेडेशन के लिए प्रोविजन रखी जाए। बजट के सिलसिले में मैं आता हूं सर आपके इरिगेशन, पीएचई और फ्लड कंट्रोल में। कुछ दिन पहले ऑनरेबल चेयरमैन साहब के चैंबर्स में मीटिंग की थी, स्टेट सेक्टर्स में से हमने इरिगेशन, पीएचई, फ्लड कंट्रोल में एक भी पैसा नहीं रखी गई है। साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर में मेडिकल एजुकेशन है, हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिपेंडेंट है डिस्ट्रिक्ट बजट पे। मुझे उम्मीद है अल्ताफ साहब आप चले आप चले आप सभी बोले मुझे उम्मीद है कि हमारे हेल्थ सेक्टर में जो भी जरूरत है, हेल्थ सेक्टर को जितनी भी जरूरत है उसको डिस्ट्रिक्ट बजट पे डिपेंडेंट ना रखा जाए, डालमडा डिस्ट्रिक्ट बजट पे ना रखा जाए, बल्कि स्टेट शेयर से जो ड्यू शेयर है वो हेल्थ सेक्टर को दी जाए, जो ड्यू शेयर है वो इरिगेशन और पीएचई सेक्टर को दी जाए। लास्ट बजट में आपने एप्रिकॉट विलेज की बात की थी, क्या हाउस 5 बजे क्या हाउस उनकी तकदीर खत्म करने तक इजाजत देता है? सर आपने एप्रिकॉट विलेज की बात की और आपके इस बजट में हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स में आपने फार्मर की बात की है, आपने एप्पल की बात की है, लीची की बात की है, लेकिन एप्रिकॉट पूरे आपके बजट में लाए। एप्रिकॉट बजट के लिए कोई स्पेसिफिक आपने वहां पे नहीं रखी हुई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि करगिल के साथ, ये लद्दाख के साथ, जैसे कि जोरा साहब ने भी जिक्र की कि पूरी सिक्किम में और पूरी कंट्री में यह अकेला ऐसा एरिया रीजन है जहां एप्रिकॉट की प्रोडक्शन होती है। तो इस प्रोडक्शन के प्रोसेसिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए कम से कम स्पेशल से प्रोविजन रखिए ताकि हमारे जो एप्रिकॉट ग्रोवर्स हैं, एप्रिकॉट प्रोड्यूसर्स हैं, उनको भी वाकई लगे कि स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके एप्रिकॉट्स के प्रोसेसिंग के लिए प्लांट्स लगा रही है, उनके एप्रिकॉट्स के प्रोड्यूसर्स के लिए मार्केटिंग के लिए कोई ना कोई प्लांट्स लगाकर स्पेशल प्रोविजन रख रही है। साथ ही साथ टूरिज्म सेक्टर में अगर डिप्टी स्पीकर साहब मैं आपको ये बता दूं, करगिल में बांग्ला टाइप के 3 बुनियादी स्टेचू है और ड्रास स्टेचू है, ये पूरी जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बांग्ला टाइप के स्टेचू। साथ ही साथ ये बुद्धिज्म आपके पिलग्रिमेज के लिए है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आप। दूसरे इसके साथ ही साथ एक द्रौपदी कुंड है, द्रौपदी कुंड के साथ आप हमारे द्रास में एक विलेज है जिसे भीम वट कहा जाता है, अच्छी तरह से जानते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ी स्कूल है भीम के नाम से। तो आप कंटिन को रिलीजियस टूरिज्म पार्ट ऑफ व्यू से क्यों एग्नोर कर रहे हैं? आपकी स्कूली टूरिज्म में कई मेंशन नहीं किया गया है जबकि इतनी बड़ी हिस्टोरिकल कल्चरल टूरिज्म की वहां पे पोटेंशियल से। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बुदा आप लोग एक सर्कल बना रहे, एक सर्किट बना रहे हैं, साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा के साथ अगर इस द्रौपदी कुंड को भीम स्कूल को जोड़ा जाए तो करगिल में टूरिज्म को बूस्ट होगी और वहां के लोगों की इकोनॉमी बढ़ेगी। उसके साथ ही साथ द्रास में आपको पेट्रोटिक टूरिज्म के हवाले से अगर कहें तो आपको वहां पर टाइगर रील है, आपको वहां पर टोलोलिंग है, माई सेकेंड ओल्डेस्ट प्लेस हैबिटेट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड है, मशहूर वैली है, इतनी खूबसूरत, आपको सेशन ग्लेशियर्स है, आपको जनसार वैली है, सुरु वैली है। तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों करगिल को इग्नोर किया गया है? साथ ही साथ सोलर सेक्टर में, और डिप्टी स्पीकर साहब मैं आपके तवज्जो से कहना
कि लास्ट बजट में उन्होंने 5000 मेगावाट सोलर पावर की बात की, लेकिन इस 5000 मेगावाट में से 5000 में से आपने 5 मेगावाट को इनिशियली वहां पे देने की बात की, 5 मेगावाट आपने कहा था ट्रायल बेसन शुरू करने जा रहे, लेकिन अभी तक आपको वो ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। साथ ही आपने यहाँ पे पेज नंबर 82 में कहा है प्रपोज सेटिंग अप ऑफ अ सोलर पंप ऑफ रुपीज 50 करोड़, ये 50 करोड़ आपने रखा है जेकेडा के, जबकि करगिल यहाँ पे आपने लिखी है सर डिस्पोजल ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर पेरेंटिंग रिलीज टू जेकेडा, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं ले और करगिल में ही काउंसिल की वजह से करगिल में केरेडा है, करगिल रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी है, लेह में लेह रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी है। तो इस 50 करोड़ में से जहां सबसे ज्यादा सोलर पोटेंशियल पूरी लद्दाख में, आपने टोटल इस बजट में इग्नोर किया, मुझे उम्मीद है कि जब आप रिप्लाई दे देंगे जेकेडा के साथ साथ केरेडा और नरेगा को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, और साथ ही साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए आपने बहुत अच्छी स्कीम्स आपने इंट्रोड्यूस की है ड्राइवर साहब, लेकिन अफसोस का मकाम है कि आपने लद्दाख को इस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम्स दी है बेनिफिट स्कीम्स है इंसेंटिव से उसमें उसमें भी आपने इग्नोर किया है। आपके पास हमारे लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव कई बार आए और उन्होंने वहां से आपको कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितने भी एम्प्लॉयज लद्दाख में सर्विस कर रहे हैं उन सबों को स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलती है। आपने लास्ट ईयर भी सर यही आपने यहाँ पर भी लास्ट ईयर भी कहा था हम आपको दे देंगे, आपने कहा था स्टेशन में आपको कुछ पैसे नहीं मिलता, एजुकेशन में हमें आपको एक पैसा नहीं मिलता, पीएचई इरिगेशन में हमें आपको एक पैसा नहीं मिलता, हेल्थ सेक्टर में हमें आपको एक पैसा नहीं मिलता, आरएमई सेक्टर में हमें एक पैसा नहीं मिलता, हेल्थ सेक्टर में कैबिनेट ऑफ स्टेट सेक्टर से नहीं आती, एक सिलेंडर आपके स्टेट सेक्टर से नहीं आती। लास्ट ईयर भी आपने कहा था कि जनरल डिमांड है, जनरल आपके प्रॉब्लम से हमें एड्रेस करेंगे और साथ ही बजट में फिर आ रही है। साथ ही साथ यही जहां आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इंसेंटिव दे रहे हैं अकोमोडेट कर रहे हैं तो कितने एम्प्लॉयज है सर, उसमें जम्मू के भी लोग हैं, कश्मीर के भी हैं, लद्दाख के भी हैं, कम से कम तो लद्दाख में माइनस टेम्परेचर में लाखी आपको पता है करगिल में -22 डिग्री टेम्परेचर से उसमें जो सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल ड्यूटी अलाउंस दे दी है तो स्टेट गवर्नमेंट को क्यों मालूम रखे। मेरे समझ में आता है प्लीज सर ताकि हमारे लोगों को लगे बाकी स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए कंसर्न है, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है। साथ ही साथ हमारे वहां पे बड़ी प्रॉब्लम्स है चलिए केसीसी लोन का, मुझे उम्मीद है केसीसी लोन के बारे में वकील साहब ने भी कहा तो ये केसीसी लोन का जो मसला है पूरे लद्दाख रीजन में है करगिल और लेह में उनकी जितने भी केसीसी लोन है बोले 50% नहीं बोली आपने माफ कर दे। इनिशियल बातों के साथ में फिर एक बार ड्राफ्ट साहब की तरफ जो बातों की तरफ दिलाना चाहता हूँ सर सोमवार 15 जनवरी सोमवार सुबह 10 बजे फिर से जलवा।